नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल डिस्कवर पे। और लेकर आने वाली बहुत ही कमाल सी वीडियो, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट 7 ट्रेन्स के बारे में जो कि हमें न्यू दिल्ली ले जा सकती हैं फ्रॉम कानपुर सेंट्रल। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे 6 नंबर की ट्रेन की, वो निकल के आती है यहाँ पे 12451 श्रम शक्ति एक्सप्रेस। नाम बताने की जरूरत नहीं है, कानपुर वालों को सबको पता होगा इस ट्रेन का नाम। शेड्यूल डिपार्चर की अगर हम बात करें तो इस ट्रेन का है 12:45 बजे रात के कानपुर सेंट्रल से। लेट होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कानपुर सेंट्रल से जब ये ट्रेन चलती है। और न्यू दिल्ली 6:30 का इसका अराइवल टाइम है, जो कि ये 6:30 के से पहले ही बिफोर टाइम पे पहुंचती है या फिर राइट टाइम। बात करते हैं ड्यूरेशन की, तो 6 hours 40 minutes ये ट्रेन लेती है न्यू दिल्ली पहुँचने में, जो थोड़ा सा ज़्यादा मैं कहूँगा 30 minutes 40 minutes। अगर 6 hours ये ट्रेन लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। क्लीनिंग की बात करूँ तो एक्सेलेंट क्लीनिंग आपको देखने को मिलेगी इस ट्रेन में। पंक्चुअलिटी एक्सेलेंट, कोई कमेंट्स नहीं। कंफर्ट लेवल 5 स्टार। स्पीड 3 स्टार रेटिंग दूंगा क्योंकि इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 110 km/h की है। अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो 5 स्टार रेटिंग। हाँ, एक दो दिन पहले आप रिजर्वेशन इस ट्रेन में लेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट अगर पहले से आपने रिजर्वेशन लेना है तो इस ट्रेन में मिल जाएगा। ड्यूरेशन की बात करूँ तो 3 स्टार रेटिंग दूंगा, थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा है। लग्जीरियस 5 स्टार, कन्वीनियंस 5 स्टार, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम बात कर लेते हैं हम टोटल स्कोर के बारे में, तो यहाँ पे निकल के आता है इसका टोटल स्कोर 26 पॉइंट्स। अब बात करते हैं 5th नंबर की ट्रेन की। 5th नंबर पर निकल के आती है प्रयागराज आनंद विहार हमसफर 22437। इसका शेड्यूल डिपार्चर कानपुर सेंट्रल से है रात के 12:45 का, और लेट ज़्यादा नहीं होती, 10-15 मिनट से ज़्यादा लेट नहीं होती है कानपुर सेंट्रल पे। बात करूँ अगर मैं शेड्यूल अराइवल की आनंद विहार पे तो वो सुबह 6:15 का है, और ये बिफोर ज़्यादातर पहुँचती है आनंद विहार। अब ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 5 घंटे 30 मिनट लेती है ट्रेन आनंद विहार पहुँचने में। क्लीनिंग की बात करूँ तो गुड क्लीनिंग आपको देखने को इस ट्रेन में मिल सकती है, क्योंकि इलाहाबाद से चलने के बाद ज़्यादा गंदी नहीं होती है ट्रेन। पंक्चुअलिटी एक्सेलेंट कहूँगा मैं। कम्फर्ट लेवल 5 स्टार, स्पीड 5 स्टार, अवेलेबिलिटी कोई इशू नहीं 5 स्टार, ड्यूरेशन 4.5 क्योंकि 5 hours 30 minutes आनंद विहार के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है। लग्जीरियस की अगर मैं बात करूँ तो 4 स्टार, क्योंकि यहाँ पे AC फर्स्ट क्लास और सेकंड टायर AC क्लास नहीं मिलता आपको देखने के लिए। कन्वीनियंस की अगर मैं बात करूँ तो 3 स्टार, क्योंकि टाइमिंग्स थोड़ी इसकी ऑड है, कुछ लोगों के लिए रात के 12:45 बजे इस ट्रेन को कैच करना थोड़ा सा टफ हो सकता है। अब बात कर लेते हैं टोटल स्कोर की, तो वो टोटल स्कोर इसका यहाँ पे निकल के आता है 26.5। इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे जो पॉइंट्स निकलेंगे वो थोड़े मतलब मार्जिन यहाँ पे बहुत कम है, और सारी ट्रेन्स ने अच्छा परफॉर्म किया है तो इसलिए थोड़ा मार्जिन यहाँ पे कम है। अब बात कर लेते हैं हम लोग 4th नंबर की ट्रेन की। तो यहाँ पर निकल के आती है वंदे भारत एक्सप्रेस, सभी को पता है इस ट्रेन के बारे में, जिसका शेड्यूल डिपार्चर कानपुर सेंट्रल से है 6:32 पे। लेट होती है थोड़ी बहुत, 10-15 मिनट कानपुर सेंट्रल पहुँचने में ये लेट हो जाती है, बट ऐसा कोई इशू नहीं है, वो रास्ते में ये कानपुर सेंट्रल से न्यू दिल्ली सेक्शन में कवर कर लेती है। एक्सपेक्टेड डिपार्चर की अगर मैं बात करूँ कानपुर सेंट्रल पे तो वो इसका निकल के आता है 6:35 पे या फिर 6:45 के बीच में। शेड्यूल अराइवल रात में 11 बजे है न्यू दिल्ली, जो कि सबसे कम ड्यूरेशन लेती है ये ट्रेन, 4 घंटे 20 मिनट सबसे कम ड्यूरेशन है NCR रूट में कानपुर सेंट्रल से न्यू दिल्ली पहुँचने में। क्लीनिंग की अगर बात करूँ गुड, कोई दिक्कत नहीं। पंक्चुअलिटी ठीक है, गुड है। रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो कम्फर्ट लेवल यहाँ पे मैं 3 स्टार दूंगा, क्योंकि चेयर कार सीट्स हैं इस ट्रेन में, शायद थोड़ी सी कम कम्फर्टेबल हूँ, वो डिपेंड करता है यूजर टू यूजर पे। स्पीड की बात करूँ कोई जवाब नहीं इस ट्रेन का, फर्स्ट क्लास स्पीड। अवेलेबिलिटी कोई इशू नहीं। ड्यूरेशन 5 स्टार, लग्जीरियस 5 स्टार, कन्वीनियंस 4 स्टार, क्योंकि थोड़ा सा ट्रेन ही पीछे से आती है इलाहाबाद से, मतलब बनारस से आती है, तो थोड़ी बहुत लेट हो जाती है 10-15 मिनट, इसलिए मैंने इसे 4 स्टार लिया। अगर टोटल स्कोर की बात करूँ तो यहाँ पे निकल के आता है इसका 27। अब बात करते हैं 3rd नंबर की ट्रेन की। यहाँ पे एक टाई हमें देखने को मिला है अगरतला राजधानी और कानपुर शताब्दी में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 20501 अगरतला आनंद विहार राजधानी की, जिसका शेड्यूल डिपार्चर कानपुर सेंट्रल से है 6:30 बजे, और एक्चुअल डिपार्चर 7 से 7:30 के बीच में होता है, क्योंकि ये 1.5 घंटा लेट होती है ट्रेन। न्यू दिल्ली 11:20 है शेड्यूल अराइवल, बट वो मुझे लगता नहीं कभी ये ट्रेन पहुंचती है। एक्चुअल अराइवल की अगर बात करूँ तो 12 से 2 के बीच में ही इसका न्यू दिल्ली पे होता है। अगर ड्यूरेशन की बात करूँ तो 5 घंटे से 5.5 घंटे के आसपास ये ट्रेन लेती है। क्लीनिंग इस ट्रेन में आपको थोड़ी सी एवरेज देखने को मिलेगी, वो वाली प्रायोरिटी इस ट्रेन को नहीं मिलती है जो बाकी राजधानी को मिलती है।
थोड़ी सी कम प्रायोरिटी मिलती है, ये पता नहीं क्यों ऐसा। पंचुअलिटी की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज मैं कहूँगा पंचुअलिटी इसकी एज बी फाइड रेक है 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इस ट्रेन की। कंफर्ट लेवल 5 स्टार, कोई दिक्कत नहीं ट्रेन में चढ़ने के बाद, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी इस ट्रेन में। स्पीड 5 स्टार, अवेलेबिलिटी कोई इशू नहीं 5 स्टार, ड्यूरेशन 5 स्टार, लग्जरियस 5 स्टार। कन्वीनियंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं 2.5 दूंगा, क्योंकि ये ट्रेन केवल वेडनेसडे को रन करती है, ये इस ट्रेन का मेन ड्रॉबैक है। बात कर लेते हैं टोटल स्कोर की, यहाँ पर निकल गया था 27.5। बात करते हैं तीसरे नंबर की ट्रेन की जिसका इस ट्रेन से टाई हुआ है, वो है यहाँ पे कानपुर शताब्दी 12033, जिसका शेड्यूल डिपार्चर 6 बजे सुबह कानपुर सेंट्रल से, और न्यू दिल्ली ये ट्रेन पहुँचती है सुबह 11:20 पे, और लेट ज़्यादा नहीं होती ये ट्रेन, 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं। ड्यूरेशन की बात करूँ तो 5 hours 20 minutes, क्लीनिंग एक्सेलेंट, पंचुअलिटी एक्सेलेंट। कंफर्ट लेवल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 3.5 स्टार मैं दूंगा, क्योंकि चेयर का सीट्स हैं थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं, इतनी कंफर्टेबल नहीं होती हैं जितनी हमारी टिपिकल बर्थ लोअर मिडिल अपर होती हैं। स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो 5 स्टार रेटिंग शताब्दी एक्सप्रेस, कोई स्पीड का जवाब ही नहीं। अवेलेबिलिटी की बात करूँ 5 स्टार, ड्यूरेशन 5 स्टार, लग्जरियस 5 स्टार। कन्वीनियंस की बात करूँ तो 4 स्टार, क्योंकि सुबह 6 बजे ट्रेन कैच करना थोड़ा टफ हो सकता है, उसके लिए 5-4 बजे आपको तैयारी करनी पड़ सकती है, तो थोड़ा सा ये ऑड टाइमिंग है इसकी। अगर बात करूँ मैं स्कोर की तो 27.5 यहाँ पर निकल करता है इसका। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की ट्रेन की, तो वो यहाँ पर निकल के आती है 12003 लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस, जिसका शेड्यूल डिपार्चर कानपुर सेंट्रल से है 4:53 पे। थोड़ी बहुत देर लगती है 5-10 मिनट, जो कि कानपुर सेंट्रल का ऑपरेटर की प्रॉब्लम हम सभी को पता ही है, उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है, वो आप देख सकते हैं। 5:00 इसका एक्सपेक्टेड डिपार्चर कानपुर सेंट्रल से, और जो एक्सपेक्टेड की अगर बात करूँ 5 बजे के आसपास होता है इसका। अराइवल की बात करूँ न्यू दिल्ली तो 10:15 से 10:30 के आसपास ही पहुँच जाती है, ज़्यादा लेट नहीं होती है। ड्यूरेशन की अगर बात करूँ तो 5 घंटे 20 मिनट लगते हैं इस ट्रेन को पहुँचने में न्यू दिल्ली। क्लीनिंग गुड, पंचुअलिटी गुड, कंफर्ट लेवल 3.5 स्टार में देना चाहूँगा इसे रेटिंग, क्योंकि फिर यहाँ पे चेयर कार सीट्स हमें देखने को मिलती है। स्पीड कोई दिक्कत नहीं 5 स्टार, अवेलेबिलिटी 5 स्टार, ड्यूरेशन 5, लग्जरियस 5, कन्वीनियंस कोई दिक्कत नहीं 4.5 स्टार मैं इसे दूंगा। 4.5 मैंने इसलिए दिया क्योंकि पीछे से ट्रेन आती है, आपको थोड़ा बहुत स्टेशन पर वेट करना पड़ सकता है, उसके लिए मैंने 4.5 दिया इसे। बात कर लेते हैं टोटल स्कोर की, यहाँ पर टोटल स्कोर इसका निकल गया था 28 points। अब बात करते हैं पहले नंबर की ट्रेन की, यहाँ पर निकल के आती है IRCTC तेजस लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस 82501, जिसका शेड्यूल डिपार्चर कानपुर सेंट्रल से है सुबह 7:25 पे, और लेट होने का कोई सवाल नहीं है इस ट्रेन में। शेड्यूल्ड अराइवल की अगर मैं बात करूँ न्यू दिल्ली पे तो वो इसका है दोपहर में 12:25 और 12:25 और 12:30 के आसपास ये ट्रेन पहुँच जाती है। ड्यूरेशन की बात करूँ तो 5 hours लगते हैं इस ट्रेन को पहुँचने में। क्लीनिंग एक्सेलेंट, पंचुअलिटी कोई दिक्कत नहीं एक्सेलेंट। कंफर्ट की बात करूँ तो मैं 3.5 रेटिंग दूंगा, क्योंकि फिर यहाँ पर चेयर का सीट्स हमें देखने को मिलती हैं, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मैं 5-star रेटिंग दे ही रहा हूँ, आप वीडियो में देख ही सकते हैं। तो इसका टोटल स्कोर यहाँ पर निकल के आता है 28.5, यानी कि बेस्ट ट्रेन फॉर न्यू दिल्ली फ्रॉम कानपुर सेंट्रल यहाँ पर निकल के आती है 82501 IRCTC लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ बहुत जल्द आप लोगों से एक और नई वीडियो, एक कमाल की वीडियो के साथ। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।